गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग 3 क्लास में हिंदी ग्रामर का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है विशेषण। तो बच्चों, विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता का पता चले, यानी कि गुण और दोष का पता चले, वैसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसका आप परिभाषा इस तरह लिखेंगे, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे विशेषण शब्द कहलाते हैं या उसे विशेषण शब्द कहते हैं। अब एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे, जैसे फूल सुंदर है, तो फूल की विशेषता क्या हो गई बच्चों? सुंदर होना। फूल सुगंधित है, अगर यहाँ सुगंधित होता तो उसकी भी पहचान हो जाती है, विशेषण शब्द सुगंध देना, यानी कि वो सुंदर, उसकी खुशबू है, और यहाँ हमने दिया है सुंदर होना, तो ये भी इसकी विशेषता है। दूसरा है बच्चों, पर्वत ऊंचा है, तो पर्वत की पहचान किससे हो रही है बच्चों? उसके ऊंचा होने से, उसका वो विशेषण शब्द हो गया, यानी विशेषता हो गया। तो ऊंचा होना उसकी खूबी हो गई, उसकी पहचान हो गई, ऐसे शब्द को ही बच्चों विशेषण शब्द कहते हैं। तो पर्वत का विशेषता ऊंचा होना हो गया, अर्थात ऊंचा शब्द विशेषण शब्द है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, आम मीठा है, तो आम कैसा है बच्चों? मीठा, उसका गुण क्या हो गया? मीठा होना, यहाँ खट्टा भी हो सकता है। तो ऐसा है बच्चों, गुण और दोष दोनों हम लोग विशेषण में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा, उसके साथ साथ बुरा भी होगा, बुरा भी विशेषण शब्द आएगा, यानी कि गुण के साथ अवगुण भी आएंगे। तो आम मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो गया बच्चों? विशेषण, मीठा इसकी विशेषता हो गया। और यहाँ खट्टा भी होता तो वो भी विशेषता होता, विशेषण होता। और यहाँ पर अगर लाल होता, आम लाल है, या आम हरा है, वो भी उसकी विशेषता होती। यानी गुण और दोष दोनों को जो दर्शा रहे हैं, वैसे शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वैसा एग्जाम्पल एक है, वह बदमाश लड़का है, तो बच्चे की विशेषता यानी उस लड़के की विशेषता क्या हो गई बच्चों? बदमाश होना, नटखट होना। तो उसकी खूबी नहीं है, ये अवगुण है, लेकिन ये भी विशेषण शब्द है। तो बच्चों आपने समझा, गुण अवगुण दोनों विशेषण में आएंगे। उसके बाद क्या क्या आएंगे वो हम आगे बता रहे हैं। वह 1 दर्जन केले लाया। अब बच्चों, गुण दोष के अलावा यहाँ क्या आ गया? संख्या, गिनती। तो ऐसे शब्द भी बच्चे वो विशेषण शब्द में आते हैं। 1 दर्जन, तो कितने केले लाया? यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो 1 दर्जन लाया, यानी 12 केले लाया, तो ये भी विशेषण शब्द हो गए। 1 दर्जन विशेषण शब्द है। अब कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों, उसको आप समझेंगे। विशेषण शब्द में आते हैं, आपको इस पर ध्यान देना होगा बच्चों, अवस्था, यानी कि कोई भी चीज़ किस अवस्था में है, गर्म है, ठंडा है, नया है, पुराना है, सभी आएंगे। गुण या दोष, यानी किसी की ईमानदारी भी, किसी की बुराई भी, किसी का कमज़ोर होना भी, किसी का ताकतवर भी होना, यानी गुण के साथ दोष भी आएंगे विशेषण शब्द में बच्चों। तीसरा बच्चों है रंग। किसी का अगर उसकी पहचान रंगों से हो रही है, तो वो भी उसके विशेषण शब्द में आएंगे, जैसे लाल होना, हरा होना। जैसे पत्ता, पत्ता हमेशा हरा होता है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई बच्चों? हरा होना। कोई फूल लाल है, बहुत खूबसूरत है, तो उसका विशेषता क्या हो गई? लाल होना। यानी कि रंगों से भी उसकी विशेषण पहचान होती है, विशेषता होती है। स्वाद, जब हम कुछ खाते हैं तो मीठा, खट्टा, तीखा सभी आता है, तो ये भी विशेषण शब्द में आएंगे बच्चों। आकार, यानी कि बड़ा, छोटा, पतला, ऊंचा, ये सभी भी आएंगे आकार में, ये भी विशेषण शब्द में आएंगे बच्चों। संख्या, यानी कि गिनती, किसी चीज़ की गिनती या माप हम जब करते हैं और उसको लिखते हैं, तो वो भी विशेषण शब्द आते हैं। जैसे दो, वह 2 केले लाया, तो 2 विशेषण शब्द हो गया। वह 4 किलोग्राम
चीनी लाया, तो ये भी विशेषण हो जाएंगे बच्चों। तो संख्या या माप भी विशेषण शब्द में आएंगे बच्चों। तो इन सभी को आपको याद करना है, ये सभी विशेषण शब्दों में आते हैं। सिर्फ गुण और दोष नहीं बच्चों, जितने हमने बताए अवस्था, गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, संख्या या माप, इतने चीज बच्चे ये सब विशेषण शब्द में आते हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा विशेषण शब्द किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा भी बच्चों मैंने बताया, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ और समझेंगे, विशेषी ये क्या होता है। तो बच्चों संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो हम लोग लिखते हैं उसे ही विशेषी कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषी कहते हैं। सिर्फ विशेषण में बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषी कहते हैं। जैसे बच्चों समझेंगे वाक्य, पर्वत ऊंचा है, तो हम लोग जान रहे पर्वत नाम है, ये संज्ञा भी बोल सकते हैं और इस लेसन के अकॉर्डिंग इसको विशेष्य बोलेंगे। तो पर्वत क्या हो गया बच्चों, विशेष्य हो गया, और उसका ऊंचा होना क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया बच्चों, विशेषण। दूसरा है चार केले, तो चार केले हैं बच्चों, तो केला नाम हो गया, तो इसको आप संज्ञा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग विशेष्य जानेंगे, विशेष्य। केले क्या हो गए, विशेष, और चार यानी ये संख्या है, इसका विशेषण क्या हो गया, चार। नटखट बालक, तो बालक बच्चों विशेष्य में आएंगे, और नटखट उसका गुण है, अवगुण है, तो ये विशेषण हो जाएंगे। लाल अनार, तो इसकी गुण क्या हो गई बच्चों, लाल होना, अनार संज्ञा है और यहाँ के अकॉर्डिंग विशेष्य है, और यहाँ पर विशेषण में लाल लिखेंगे। बड़ा मैदान, तो मैदान विशेष्य में लिखेंगे बच्चों, और उसका बड़ा होना विशेषण शब्द है, तो यहाँ बड़ा में लिखेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है विशेष्य। फिर एक बार समझेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आपने इसे समझ लिया होगा, अब आगे हम लोग इससे जुड़े हुए होमवर्क करेंगे। तो पहला है बच्चों, सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, मैंने एक डैश जंगल देखा, तो घना या गहरा क्या होगा बच्चा। दूसरा, पिताजी बाजार से डैश केले लाए, कितना, एक या एक दर्जन लिखेंगे इसको। तीसरा, उदित ने डैश कमीज पहनी, कैसी पहनी कमीज, पीली या ऊंची। चौथा, किसान बहुत होता है परिश्रमी या खट्टा, आप विशेषण शब्द चुनकर इसमें भरेंगे बच्चों। राजा राम बहुत डैश थे दयालु या बड़ा। वहां एक डैश पेड़ है बड़ा या अच्छा। तोता बहुत डैश पक्षी है सुंदर या बड़ा। तो बच्चों फिर एक बार हम लोग समझेंगे इसको। तो बच्चों अब हम आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं, मैंने एक क्या होगा बच्चों, घना जंगल देखा। पिताजी बाजार से क्या होगा बच्चों, एक दर्जन केले लाए। उदित ने पीली कमीज पहनी। किसान बहुत परिश्रमी होता है। राजा राम बहुत दयालु थे, इसका विशेषण क्या हो गया, दयालु होना। वहाँ एक बड़ा पेड़ है, पेड़ कैसा है, उसकी विशेषता बड़ा होना। तोता बहुत सुंदर पक्षी है, तो इसका विशेषता क्या हो गया, तोता का सुंदर होना बच्चों, इसे आप अच्छे से लिखेंगे आगे। दूसरा है बच्चों, नीचे लिखे विशेष शब्दों को उचित विशेषण शब्द के साथ लिखिए। हमने इसे बना दिया है बच्चों, इसे आप और भी अलग ढंग से भी बना सकते हैं।
विशेष्य में चिड़ियाँ हैं, हवा, पत्ता, बगीचा, पेड़, घोड़ा, पर्वत, सेब। तो बच्चों चिड़ियाँ इसकी विशेषता क्या हो सकती है? बहुत हो सकती है, मैंने दिया है चार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हवा, हवा की विशेषता ठंडा होना यानी ठंडी लिखें। पत्ता हरा, बगीचा स्वच्छ, पेड़ विशाल, घोड़ा काला, पर्वत ऊंचा, सेब लाल। तो बच्चों आप हो सकता है तो इसमें एक एक और आप विशेषण ऐड कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। अब लास्ट में बच्चों प्रश्न एवं उत्तर लिखेंगे। एक ही प्रश्न आएगा बच्चों, इसमें विशेषण किसे कहते हैं? तो इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, यहाँ बच्चों शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत ऊंचा है, आम मीठा है। आप आगे वाला भी परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों, जो तो बच्चों ये भी आप लिख सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे फूल सुंदर है, इसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर रीडर पढ़ेंगे। धन्यवाद।